मालिक, मैं हूँ मुशाहिद खान और अक्सर आप मुझे देखते हैं ऐसे घरों में मैं जाता हूँ जहाँ आपकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही लड़का था और चार पांच लड़कियाँ, साहब सात लड़कियाँ, एक लड़का है, एक लड़का, क्या नाम था उनका? इंतजार। ये पूरा मामला गाज़ियाबाद का है, गाज़ियाबाद का एक क्षेत्र है, लोनी एक तहसील है, वहाँ का ये मामला है। इंतज़ार भाई से गाड़ियाँ चलाते थे, इनकी एक छोटी सी गाड़ी भी थी अपनी जिसे पिकअप वैन बोलते हैं, और वो इस बकरीद पे अपने बच्चों के लिए कुछ कमाने के लिए गए थे। आगरा के वहाँ से, मथुरा के वहाँ से कुछ पशु ले आए, बकरे ले आए, और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और मौत भी इतनी भयानक तरीके से हुई कि उनके शरीर का हर एक हिस्सा जल चुका था, उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, बहुत बुरी तरह से उनकी हालत थी। जो गाड़ी थी वो डिवाइडर में टकराई और डिवाइडर में टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया क्योंकि CNG की गाड़ी थी। इंतजार के भाई हैं सर, कैसे हादसा हुआ, आपको कैसे पता चला इस पूरे दुखों का पहाड़ आपके टूटा हुआ है? सर हम तो काम पे गए थे, फोन आया वहाँ से, कोई आदमी आया हमारे, हमें भाभी को लेकर चला गया यहाँ से। वो जो भाड़े पे गाड़ी लेके करके लेके गए थे वो वहाँ के थे, जनता कॉलोनी के, दिल्ली के थे। हाँ, तो उनमें से एक आदमी आया लेके से चला गया, हमें बताया ही नहीं, हमें तो बाद में पता लगा 6:30, 6:30, 7 बजे तभी आदमी यहाँ से वहाँ पहुँचे, साथ ही जब वहाँ डेड बॉडी लेकर आए वहाँ से हॉस्पिटल से। डेड बॉडी का तो नाम ही था बिल्कुल, अब खत्म ही थे वो, तो कुछ भी नहीं था, हाथ पैर भी इतने इतने हाथ भी नहीं थे ना, इतने इतने पैर थे, कुछ नहीं था, वो पैर भी बिल्कुल गले थे, सब जला हुआ था, कुछ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो आपने क्या गुसल कराया? नहीं, गुसल नहीं हुआ, बस नमाज हुई है जनाजे की, गुसल को तो मुफ्ती साहब ने मना कर दिया था। अभी स्थिति क्या है, कैसी माली हालत है, घर की हालत कैसी है? तो हालत आप भाई सब आप भी देख रहे हो, बस सात बच्चे हैं छोटे छोटे, आठ, हालत तो खस्ता ही है, कुछ भी नहीं, कमाने वाला नहीं कोई, फोन है कोई भी नहीं है कमाने वाले यही भाई यही थे घर में, परिवार में बच्चे हैं छोटे, रोल कोई कमाने वाला, कोई कारोबार नहीं है, और यही काम था। जो एक बच्ची बता रहे कि वो सुन नहीं सकती, हाँ एक बच्ची है वो गूंगी भी है, बहरी भी है, ना सुन सकती ना वो बोल सकती, कुछ नहीं कर सकती बच्चे। आज ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, और हम पूरे काम छोड़ के आज इस घर की मदद करने के लिए आए हैं, कि इसीलिए कि हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे लोग आपको अपने अपने इलाकों में मिलेंगे, अपने अपने माशरों में मिलेंगे, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। साहब अब कैसे, क्या कैसे होगा, क्या आपने सोचा है कि आप तो हमेशा करेंगे लेकिन 6-7 बच्चियाँ हैं और कमाने वाला कोई नहीं, 25 गज का मकान है शायद? हाँ 25 गज ही है भाई, 25 गज का मकान है, तो कैसे गुजारा चलेगा? सब जैसे अपने से मदद होगी भाई सब करेंगे, ऐसे और क्या करेंगे। बच्चे अभी भी इस आस में है कि मेरे अब्बू आएंगे, ईद पे आएंगे, हमारे लिए कुछ लाएंगे। बच्चे रो रहे बेचारे, सब कह रहे बच्चे अब्बू कहाँ, हमारे अब्बू कहाँ, तड़प रहे बेचारे बच्चे, क्या कर कहाँ से आएंगे वो। बच्चों को बताया कि नहीं अब आपके आपके वाले साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? बच्चों को पता तो लग ही गया है, बेहद गम का ये माहौल है, और उस परिवार में मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि जिस स्थिति में इस भाई की डेड बॉडी आई थी कि वो बिल्कुल देखने लायक नहीं थी, ना मैं आपको दिखा सकता, अगर दिखाऊंगा तो ब्लर करके दिखाऊंगा। उसके ना हाथ बचे थे ना पैर बचे थे, एक तरीके से जैसे कोयला होता ना, कोयला चल के बिल्कुल खाक हो जाता है, उस तरह का वो उनकी डेड बॉडी थी, उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अब इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, इन परिवार को, इस माँ को, बच्चों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनके सर से एक बाप का साया उठ चुका है, और अभी तो महीना दो महीना सब मदद करेंगे, लेकिन आने वाला जो वक्त है इस बहन के लिए वो बहुत ही कठिन होने वाला है। अभी हम बच्चों से मिल सकते हैं जी, एक बार मिलवा दिए बच्चों से। यही वो परिवार है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, ये बहन है हमारी, इनका शोहर है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माली हालत आप देख सकते हैं।
बेटा वहाँ बैठो। बहन रोना नहीं है, देख अल्लाह ने जो क्या कह के गए थे आपसे, आपके लोग मैं सुबह ही आ लूंगा और तू सोइए ना, इतने इनका ध्यान सारा के क्या बोल के गए थे कि मैं बच्चों के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ या ईद के लिए कुछ कमाने जा रहा हूँ? नहीं, बस गाड़ी लेकर गए अंदर तो जी, कागज लेकर गए। कहने 5-6 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, ये चक्कर मार जाऊँ मैं, और बस चले गए 1 बजे। आपका क्या नाम है बेटे? यास्मीन। यास्मीन नाम आपका। ईद के लिए कुछ कह के गए थे आपके पापा आपसे कि कपड़े बना? सो रहे थे सारे, सारे बच्चे, मैं तो नीचे कर ली। कितनी बेटी हैं आपकी? ये 5-6 बेटियां हैं इसकी, 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां में से 2 की शादी हो चुकी है, 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। ये बेटा है इनका, छोटा सा बेटा है, ये बेटा है, यही करने वाला समझ लो। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। ये खुशी का मौका था ईदगाह, और इनको क्या पता था कि खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाएगा। हम सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं अपने अपने घर में, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन ये परिवार है, इस परिवार में गम की पहाड़ टूटा हुआ है। मैंने कुछ छोड़ के भी गए हैं, कुछ जोड़ के गए हैं कि थोड़ा बहुत है बैंक बैलेंस? आपको आपको क्या आप बोल के गए थे बेटा? ईद पे कुछ मांगा था आपने पापा से? ये नहीं मांगते कुछ भी। एक उम्मीद होती है हर बच्चे को अपने बाप से कि उसका बाप आएगा और ईद पे बच्चों नए कपड़े बनाएगा, लेकिन ये बच्चे एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं कि इनके वालिद साहब का जो साया है इनके ऊपर से हट गया। तो मैं हमेशा हर वीडियो में अपने यही बोलता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करो जो आपके मुस्तहिक है। अभी हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह हम वो मदद करेंगे, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मैं इनका अकाउंट नंबर अपने मैसेज बॉक्स में पिन कर दूँगा, इनका नाम, इनका मोबाइल नंबर तो शायद ना कर पाऊँ क्योंकि इद्दत में है, बच्चियाँ हैं, नहीं वो खा पाएंगे, लेकिन इनका अकाउंट नंबर मैं ज़रूर पिन कर दूँगा। अभी जो हमसे मदद होगी इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। बहन ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, हैं ये 10,000 रुपये हैं, ये आपके काम आएंगे, रख लीजिए। कोई भी एहसास नहीं कर सकता कि ये वक्त आ जाएगा कि लोग मदद करेंगे, लोगों से मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। जो लोग दूसरे की मदद करते हैं, आज ये वक्त आ गया कि उनको आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो एक छोटी सी रकम है बेटा, आप ये रख लीजिए बेटा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे परिवार के ऐसे लोगों की मदद करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर इतना कीजिए कि कम से कम जो लोग हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।